हेलो 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 एवरीवन, सभी का स्वागत है फौजी के नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट मुझे नहीं पता कि इसका कैंपेन कितना लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस पार्ट को जितने जल्दी हो पाए इस गेम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और ताकि मुझे समझ में आए कि अगर ये कैंपेन ख़त्म होता है इसका, जैसे देखो ये वाले जो मेनू है इसमें कैंपेन है और टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल है, तो मुझे नहीं पता अगर मैं कैंपेन ख़त्म कर लेता हूँ तो टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल स्टार्ट होगा या नहीं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ। और ये भी देखना चाहता हूँ कि ये बिना गन्स के होगा कि गन्स के बिना नहीं होगा। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो फ्री फॉर ऑल और टीम डेथ मैच दोनों में गन है, गन्स दिखाया हुआ है, लेकिन इसमें गन्स नहीं है। तो देखते हैं यार आगे चल के गन मिलता है कि नहीं, और जितना जल्दी हो पाए इस गेम को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। छोटा मोटा ही है। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब हो। हाँ, तो शायद ये पहले से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई देखो ये ऐसा है कि भाई ये फाइटिंग होता रहेगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे, मतलब क्या ही दिखाओ तुम लोग को फिस्ट फाइट। ऐसा नहीं कि इसका फिस्ट फाइट दिन, मतलब हर जगह बेहतरीन हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक ही स्टाइल है, ठीक है, तो ज़्यादा उतना मतलब खास उतना वो नहीं दिखा रहा ये। जैसे देखो मैं भी पीछे खींच रहा हूँ इसको मारने के लिए, और ये मारे जा रहे उसके सिर्फ। नाइस, तो अभी चलते हैं इधर। तो ये लास्ट सेव पॉइंट। ओ भाई 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 भाई, पहले तू, पहले भाई इसको। अरे भाई उसको नहीं भाई, पीछे वाले को, पीछे वाले जिसके पास हथियार है। भाई भाई पहला चीज़ तो इन्होंने तो बहुत गलती किया कि इन लोग को वायलेंस नहीं दिखाना था, इसलिए शायद इन लोग ने ये जो वो है ना गन्स वंस नहीं रखा होगा, और ये इसके जगह ये सब हथौड़ा या फिर सिकल ये सब रख दिया है, हैमर वैमर रखा है। ऊपर में ये जो टाइमर देख रहे हो ना तुम लोग, 16:31 और 16:28, मतलब 16:27, तो ये टाइम काउंटडाउन किस लिए हो रहा मुझे ये नहीं पता। भाई पीछे वाले को मारना। देखो कुछ कुछ जगह मैं स्किप कर दूंगा, मुझे जहाँ पे लगेगा कि भाई मतलब एक ही चीज़ बार बार हो रहा है, जैसे फाइट ये बार बार हो रहा है ना, तो मुझे ये नहीं दिखाना है भाई तुम लोग को कि कंटिन्यूस फाइट, सेम चीज़, बोरिंग चीज़ नहीं दिखाना है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि भाई कुछ अच्छा वाला फाइट होता तब समझ में आता था। मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। किसने बोला है तुझे, किसने बोला तू अपने साथी को निराश कर रहा है? भाई तू अकेले पूरे आर्मी से फाइट कर रहा है, वो भी बेयर हैंड। नहीं भाई तू किसी को निराश नहीं कर रहा भाई, यू आर प्राउड सोल्जर माय LAC की बॉय। गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है, ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी, पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया, उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया, रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है।
रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कान में गूंज रहे थे। ओके, थोड़ा सा बैक स्टोरी देखने को मिला। ये वाला फाइट अच्छा लग रहा है मुझे। शायद पिछले बार मैं यहीं पे मर गया था इन लोग को मारते मारते, क्योंकि मेरे पास कोई वेपन नहीं था भाई। ये ले खत्म हो जाना भाई। कितना मार खाएगा, मारो इसको भाई। ऐसे क्यों मारो, अंदर ही घुसा दो ना एक ही बारी में, खत्म करो बात को। मारो इसको, इन लोग के हथियार लेके इन लोग को मारो भाई। भाई देखो ऐसा हो सकता है मैं इन लोग का ये पूरा जो फाइटिंग हो रही है, पूरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसका हाईलाइट भी बना सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा फाइट ही दिखा दूँ तुम लोग को, बोर करो दिखा के, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो के हिसाब से लोगों को मेरा ठीक है, मेरा जो ओपिनियन वो सही लगा, लेकिन फौजी अच्छा नहीं लगा। तो भाई बस सच में भाई, मतलब नहीं बोल रहा कि भाई उतना खराब मतलब है, खराब तो है ही, उतना सही नहीं किया है। अभी क्या है ना देखो, तो ऐसा जो मैं बोल रहा था, अभी क्या है ना, अभी देखो एक गेम आ गया है, ठीक है, जैसे पबजी था। अब पबजी ने जो बेंचमार्क सेट किया है उसके हिसाब से भाई फौजी को खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उन लोग को पता है कि पहले क्या मतलब क्या गेमर्स लोग को क्या मिल गया। देखो अगर तुम लोग को कभी भी ऐसा हो कि तुम लोग पहले एक बहुत हाई ग्राफिक्स वाला गेम खेल लो, तो तुम लोग शायद ही भाई ऐसा कोई गेम खेलोगे जिसमें ग्राफिक्स बहुत ही कम हो, है ना। तो वैसा ही सीन है कि तुम लोग अगर पबजी खेल लियो जिसमें इतना कुछ है, उसमें तो भाई तुम लोगों को दिक्कत तो होगा ही ना भाई। हर किसी को दिक्कत होगा, सिर्फ तुम लोगों को, जो भी खेलते हैं उन लोग को दिक्कत होगा भाई। भाई हाथ दर्द हो गया मेरा दबाते दबाते। फिर देखो ऊपर में जो दिखा रहा है ना, जो 636 वाला है, उसमें देखो 3 स्टार कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ एक फ्लैग वाला बचा है। मुझे लगता है गेम खत्म हो जाएगा अभी। अभी देखते हैं भाई, दिखा तो इधर रहा है लेकिन जाने का कैसे है। अरे मिल गया रास्ता। जल्दी से मार भाई। भाई यहाँ पे ही छोड़ते हैं इसको, नहीं हो पाएगा ये गेम भाई, एक ही जैसा है, कोई पावर अप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं हो पाएगा ये गेम मुझसे। तो ये इस गेम को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये गेम आगे अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो मैं वो लाऊंगा, लेकिन ये नहीं दिखाऊंगा तुम लोग को। फिर ये छोटा मोटा हाईलाइट्स देख लिए होंगे अभी तुम लोग ने, जो भी हाईलाइट्स मैंने अभी दिया है। तो यार अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस गेम का। लेकिन यार सब्सक्राइब कर दो, दूसरे जो गेम्स है उसको शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करो, उसके लिए दोस्त लोग को बोलो, मुझे भी हेल्प हो जाएगा यार, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छा से रहना। आउट्रो।